नमस्कार, मेरा नाम है जय कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां एक पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गजौंदा गांव के निवासी हैं, जो कि रोहित कुमार नाम बताया जा रहा है, कि जिसके पैर फिसलने से मौत हो चुकी है। हम इस बारे में बातचीत करेंगे उन ग्रामीणों से, क्या मामला है पूरा। ये लड़का ताल में वहाँ नहाने गया, नहाने गया, इसका पैर स्लिप किया और ये तालाब में चला गया, वहाँ कुछ था नहीं, डूब गया उसमें। बहुत देर के बाद फिर इसके बॉडी लोग खोजे। रोहित कुमार नाम है। कहाँ के निवासी हैं? गजौंधा। हाँ, कितना वर्ष उम्र है? उम्र 17 लगभग। क्या कर रहा था लड़के? पढ़ रहा था अभी। हाँ, अभी जो पोखरा था वो गांव का पोखरा था या किसी अन्य जगह? नहीं नहीं गांव का नहीं है, जैसे सरकारी ताल होता है ना, सरकारी तालाब, वो उसमें से मट्टी निकाली गई थी इस साल। अभी कौन लगते हैं आप उनके मृतक के? उनके मृतक गांव के हम दादाजी लगते हैं ना। तो लोग दो बच्चे कुछ नहा रहे थे पानी में, और ये भी अपना नहाने के लिए पानी में उतरे, और जो घाट बना हुआ है हम लोग का, वो बहुत उसके घाट के अंदर में बहुत से जेसीबी से गड्ढा कर दिया गया है तालाब को। जेसीबी से जी, बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया गया। इसके वजह से जो भी आदमी अगर तालाब में जाएगा उसका डेथ होना ही, बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया गया है। क्या वो सरकारी पोखरा है या फिर निजी पोखरा? नहीं नहीं, सरकारी है। सरकारी है ये तालाब है। तालाब है जी, फिर भी उसे जेसीबी से खुदाई की गई जी। जी, लड़का क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या करता था लड़का? अभी तो पढ़ रहा था। कहाँ के? स्टडी पीरियड में है। कहाँ के निवासी? ग्राम गजौंधा पोस्ट बरेला जिला रोहतास के निवासी है। क्या लगते हैं? हम मैं उनका मैंने ऐसे अंकल लगता हूँ, बड़े पापा कहते हैं लोग। अभी आपने सुना कि उनके ग्रामीणों ने बताया कि रोहित कुमार अपने दोस्तों के साथ जो है तालाब के पास नहाने गया था, उसी में इनका पैर फिसल गया और ये गहरे पानी में जा गिरे, जिनके बाद इसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ जो परिजन हैं, पूरे तरह से परिजनों में मातम छाया है। स्थानीय प्रशासन भी आ चुकी है इसके लिए, स्थानीय प्रशासन के मौजूदगी में है जो आगे की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन और यहाँ आई है और प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी अभी की जा रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ, तब तक दे यार धन्यवाद।